ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ, ਜਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਨੀ ਚੱਕਿਆ ਬਈ, ਹੱਥ ਕੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ, ਜਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ ਉਹ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਨੀ ਚੱਕਿਆ ਬਈ, ਹੱਥ ਕੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਸਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। आज की वीडियो में आपको सलमान खान के रिएक्शन के बारे में बताएंगे जब उन्हें ये पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला के मारने वाले मर्डरर उनको भी मारने वाले थे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के जाने का दुख हर किसी को हुआ, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम आदमी भी उनके जाने पर उतना ही दुखी है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अच्छे सिंगर थे और सिंगर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, और जिसके साथ भी उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन रहा है वो ये बात जानता है कि सिद्धू मूसेवाला बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में अब कुछ बातें सामने आ रही हैं जिससे लोग आके बता रहे हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे और कितने अच्छे थे, बट ये सब अब सिर्फ बातें ही रह गई हैं। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद बहुत से सेलिब्रिटीज अपने दुख को बयान कर रहे हैं और अब सलमान खान भी इस सब में शामिल हो चुके हैं। सलमान खान सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी थे और जब उनको ये बात पता लगी कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले वही लोग हैं जिन्होंने मारने के लिए उनके पीछे भी गुंडे भिजवाए थे, ये सुनकर सलमान खान बहुत सख्त गुस्से में है और उनका कहना है कि पुलिस इस सब के पीछे कुछ करती क्यों नहीं है, क्यों लोगों की जिंदगियों से पुलिस इस तरह से खेल रही है और कोई ऐसा लॉ नहीं लाया जाता जिससे इन लोगों को पकड़ा जा सके। सलमान खान का कहना था कि वो बहुत ज्यादा दुखी है कि एक 27 साल का राक्षस जिसका आगे इतना ब्राइट फ्यूचर था और उसने आगे बहुत आगे जाना था, उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई है। सलमान खान की चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से और पुलिस से यही अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको सख्त सजा दी जाए ताकि आगे फिर ऐसा कुछ ना हो सके। आपको बताते चलें कि इससे पहले सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले मर्डरर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार सलमान खान को भी धमकियां दे चुके हैं और वो सलमान खान को मारने के लिए गुंडे भी भिजवा चुके थे जिनको पुलिस ने सलमान खान को मारने से कुछ ही दिनों पहले अरेस्ट कर लिया, और वो ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो सलमान खान के घर की रैकी कर चुके थे और कुछ ही दिनों में सलमान खान को मारने भी वाले थे। वे विश के पुलिस अब कुछ ऐसा कर ले कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाए और दोबारा किसी की भी इस तरह से जिंदगी ना जाए। आपको सलमान खान के रिएक्शन के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या आप सलमान खान की बात के साथ सहमत है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।